Yeah, Fauzia, so tell me, what is the first topic? Number one, just speak up. यस सर. सर है सर, नंबर वन हैपन टू, ओके, वाह, नंबर पहले हैपन टू टू, इट्स सिंथेसिस. ओके सर, हैपन टू कर लेते हैं, पहले एक एक करके करते हैं, वेट अ मिनट. ओके ओके सर, ओके सर. सर पेड़ से कर लीजिएगा. ओके ओके. फाइन गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. हैपन टू, प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियोज एवरीबॉडी, टर्न ऑफ योर ऑडियोज, आवाज आ रही है. ठीक है गाइस, हैपन टू देख लीजिए. एक तो मैं आपको बता दूं कि हैपन का मतलब, ये तो सबको पता है कि हैपन का मतलब क्या होता है, होना, यही होता है ना. जैसे हम कहते हैं कि व्हाट हैपेंड, इसका मतलब है क्या हुआ. यहाँ तक तो सबको पता है. प्रॉब्लम आती है कि जब ये हैपन के साथ टू लग जाता है तो ये मतलब कुछ और देता है. ये मतलब देता है, इसको यूँ मान लीजिए, लकीली इन हिंदी इफ यू टॉक, कि सौभाग्य से, सौभाग्य, एक मिनट, सौभाग्य से. अब हिंदी पे ना जाए, मैं अंग्रेजों के हिसाब से आपको समझाता हूँ, इसके समझ में आएगा. मान लीजिए कि आपने बोला कि कल मैं पार्क गई या गया, आपने बोला कि येस्टरडे आई वेंट टू पार्क. ओके, फिर आपने बोला कि अ बॉय केम केम टू मी, एक लड़का मेरी मेरे पास आया, अ बॉय केम टू मी एंड स्टार्टेड एब्यूजिंग मी, मुझे गाली देने लगा. ओके, सडनली आपने बोला कि अचानक उसके और भी दोस्त वहाँ पर आ गए, सडनली हिज, या सडनली सम ऑफ हिज फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऑल्सो केम देयर, वहाँ पर आ गए. मैं अकेला था, आई वॉज अलोन. ओके, लेकिन अब अकेले आप हैं, उतने सारे लोग हैं, वो आपको हार्म कर सकते हैं. अब आप कह रहे हो कि सौभाग्य से मुझे मेरा पड़ोसी वहाँ दिख गया. अब आपका पड़ोसी दिख गया, क्या ये प्लान था कि पड़ोसी वहाँ होगा? कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सब कुछ अचानक हुआ. आपने सोचा भी नहीं था कि आपका पड़ोसी दिखेगा. अब आपको कहना है कि सौभाग्य से, लकीली, भगवान की कृपा रही कि मेरा पड़ोसी वहीं पर मुझे दिख गया. अब आप कैसे बोलेंगे? आई हैपेंड टू सी माई नेबर ओवर देयर. तो आई हैपेंड टू सी का मतलब है कि अचानक, लकली, मतलब ऐसा हो गया कि मैंने अपने पड़ोसी को देख लिया. इस हैपन को आप उसी होने से ही अंदाजा लगा सकते हैं. मैं अगर हिंदी की तरफ ले जाऊं कि आई हैपन टू सी, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि अचानक मैंने क्या देख लिया जी, मेरा पड़ोसी वहां पर देख लिया. एक तो ये तरीका है. आप ऐसे कह सकते हैं कि माई माई नेबर हैपेंड टू बी देयर. अब मैं कहता हूँ कि माई नेबर हैपेंड टू बी देयर, यानी कि लकली मेरा पड़ोसी वहाँ पर था. मतलब मैं इसकी हिंदी नहीं कर पा रहा हूँ. माई नेबर हैपेंड टू बी, यहाँ पर बी का मतलब तो आपको पता है, बी का मतलब होता है होना, और हैपेंड पास्ट को दिखा रहा है, यानी कि सौभाग्य से मेरा पड़ोसी वहीं पर निकला, मतलब वहीं पर वो उसकी, मतलब वो दिख गया मुझे. ये हैपेंड टू है. आप ऑडियो ऑन करके मुझे बता सकते हैं कि आप कितना समझ रहे हैं. एक और मैं बताऊं कि यस सर गॉट इट. अगर मैं बोलूं कि आई, जैसे कि आई वॉज गोइंग समवेयर, मैं कहीं पर जा रहा था, आई वॉज गोइंग समवेयर, आई डिड नॉट हैव माई वॉलेट विद मी, मेरे पास मेरा पर्स नहीं था. आई डिड नॉट हैव माई वॉलेट विद मी. ठीक है, ये ऑडियो अभी ऑफ कर लीजिए, अभी शोर आ रहा है, मैं बोलूँगा तो ऑफ कर लीजिए. आई डिड नॉट हैव माई वॉलेट विद मी, मैं कहीं पर जा रहा था लेकिन मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं था और मुझे भूख लगी. आई फेल्ट हंग्री, आई फेल्ट हंग्री. अब क्या होगा भाई, वॉलेट नहीं है, भूख लगी. तो आपने बोला कि लकली भगवान की कृपा थी कि मेरी गाड़ी में कुछ सिक्के पड़े हुए थे. तो अब आप कैसे बोलेंगे कि ओके आई, या तो आई बोल सकते हैं कि आई हैपन टू हैव सम क्वाइन इन माई कार.
मतलब अगर मैं ये हैपन टू ना लगाऊं, मैं सीधा बोल दूं आई हैव सम क्वाइंस, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मेरे पास कुछ सिक्के हैं। अब मैं इन है को था करना चाह रहा हूं और वो भी सौभाग्य से, तो मुझे एक हैपन लगाऊंगा और हैपन को सेकेंड फॉर्म में कर दूंगा। क्या ये आई हैपन टू हैव सम क्वाइंस, मतलब ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ सिक्के निकले मेरी कार में, मतलब सौभाग्य से मेरी कार में कुछ सिक्के थे, आप ऐसे बोलेंगे। और मैं एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपके समझ में आए। जैसे माई नेबर हैपेंड टू बी एन हैपन टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ, इसकी हिंदी क्या हो कि मेरा पड़ोसी हैपन टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि वो सौभाग्य से भगवान की कृपा रही तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकला, मतलब मुझे पता नहीं था। और हम बातें करें, कुछ ऐसा हो गया कि मुझे एक इंजीनियर की ज़रूरत थी, मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया था और सौभाग्य से मेरा पड़ोसी एक इंजीनियर निकला, उसने मेरी मदद कर दी। जहाँ आपको पता ना हो, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, ओके, सोचिए कि रात को आपको लगा यार मुझे I was ill। ठीक है, हाँ मैं बीमार थी सर। हाँ बोलिए। आई वॉज इल, माई नेबर हैपन टू बी अ डॉक्टर। यस, आप समझ में आ गया कि आई वॉज इल, मैं बोलूँ कि आई वॉज इल लास्ट नाइट, कल रात में बीमार थी। आई डिड नॉट हैव एनी व्हीकल टू गो टू एनी डॉक्टर। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी डॉक्टर के पास जाने के लिए, ओके। कोई भी केमिस्ट खुला हुआ नहीं था, देयर वॉज नो केमिस्ट शॉप ओपन एट दैट टाइम। उस वक्त कोई केमिस्ट शॉप भी खुला हुआ नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा रही कि मेरा पड़ोसी एक डॉक्टर निकला और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। अब ये बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा कि माई नेबर happened to be a doctor and he gave me some medicine। ये है, जैसे मैं किताब पढ़ रहा था कहीं पर, आई थिंक क्लास सेवन्थ का सिविक्स ही पढ़ रहा था, इक्वालिटी के ऊपर बात हो रही थी, तो उसमें था कि एक बच्चे से स्कूल में झाड़ू लगवाते थे, तो उसमें था कि आई वॉज स्वीपिंग द होल कंपाउंड एंड माई फादर हैपेंड टू बी पासिंग बाई देयर। अब इसका मतलब कुछ समझाएगा? माई फादर हैपेंड टू बी पासिंग बाई देयर। यस सर, वो झाड़ू लगा रहा था, अचानक से उसके फादर वहां से गुजरे। हाँ जी, तो यहाँ सौभाग्य से उसके लकली। हाँ, तो यहाँ आपको तो इतना तो पता है कि बी के बाद आईएनजी भी बनता है, आईएनजी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है। हम बी के बाद थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ दिखाना है कि सौभाग्य से भगवान की कृपा रहे कि उसके पापा वहीं से गुजर रहे थे। अगर हैपन टू नहीं पता हो, मान लो हमें हैपन टू नहीं पता है, क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे? तब भी बोलेंगे, हैं पुनीत, तब भी हम बोलेंगे ना कि माई फादर वॉज लगा देंगे, माई फादर वॉज पासिंग बाई देयर, हो गया। और ये जो लकली सौभाग्य से है तो लकली लगा दो, लकली। तो कहने का मतलब कि हम आराम से बोल सकते हैं, एक हैपन टू एक नया तरीका है। वी कैन यूज सडनली। हाँ, सडनली हम लगा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे हैपन टू में कुछ बोले तो आप समझ तो जाएंगे ना कि अब हैपन टू क्या है, तो किस तरीके से है। अब आप शॉर्टकट में बताइए कि मैंने भगवान की कृपा से स्टोरी टेलिंग है, इसलिए सेकंड फॉर्म है, इसमें स्टोरी है, इसलिए अगर मैं प्रेजेंट में बोलूं तो ऐसे हो जाएगा कि सौभाग्य से मेरा पड़ोसी डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो कैसे हो जाएगा कि माई नेबर happens, आप समझ रहे हैं, happens करना पड़ेगा। My neighbor happens to be a doctor.
यानी कि भगवान की कृपा है, हम ऐसे बात कर रहे हैं कि भगवान की कृपा है कि मेरा पड़ोसी डॉक्टर है भैया, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तो तुरंत उसके पास जाऊंगा, तो ये रूटीन हो गया, मतलब रियलिटी हो गई प्रेजेंट की. जैसे मैं अगर बोलूं कि माय, मैं ऐसे बोलूं कि वन ऑफ माय, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर आ रहा है, बोलूं कि वन ऑफ माय स्टूडेंट हैपेंस टू बी, कोई आ रहा है, एक मिनट जरा, क्लास में लेट कौन आ रहा है जी? अच्छा केदार, हाय केदार, हाउ यू बड़ी? यस सर, गुड इवनिंग. यस सर, फाइन. ओके, सो क्लास इज गोइंग ऑन सर. बिकॉज ऑफ माय स्कूल, इन माय स्कूल वन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग ऑन 4 PM to 7 PM. That's the reason I was not attend last 2 days, and today also it was there, and tomorrow also I had that meeting. That's the reason. Sorry, sir, I am not attending the class. No issue. For that reason. एक बस सेंटेंस आपने गलत बोला कि I was not attend, कुछ ऐसा बोला था ना, वहाँ I couldn't होना चाहिए. Sorry, I am not attending. नहीं, जो बहुत पहले जो एक सेंटेंस बोला था ना कि मीटिंग की वजह से मैं नहीं किया दो दिन, कुछ ऐसा कहा था, वहाँ वाज की जगह कुड नॉट होना चाहिए था, बाकी सब ठीक. एनीवे चलिए, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं बोलूँ कि वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हैपेंस टू बी एन RTO ऑफिसर. अब इसका मतलब क्या है बताइए भाई. सौभाग्य से मेरा एक स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट RTO ऑफिसर है. हाँ, तो यानी happens का मतलब है कि वो है, present में है. ज्योति जी हैं क्या? Yes sir. Okay, fine. तो अब अगर मैं बोलूँ कि ठीक है कि मुझे कोई problem है, मैं आगे कहानी बना सकता हूँ कि you know, अगर मुझे कोई problem होगी तो कोई बात नहीं यार, one of my students happens to be an RTO officer, I can give her a call. तो ये reality दिखाता है present में. जैसे पुनीत ने कहा ना कि सिर्फ happened क्यों आ रहा है, तो happens भी आ सकता है ऐसे. जैसे हम बोले कि यू हैपन टू बी, या यू हैपन टू हैव सुपर नेचुरल, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सुपर नेचुरल पावर. अब इसका मतलब क्या हो जाए? भगवान की कृपा है कि तुम्हारे पास एक सुपर नेचुरल पावर है. सॉरी, यू ईडी लग गया, एक मिनट, ईडी लग गया, थोड़ा सा हैपन कर देते हैं. You happen to have, यानी कि प्रेजेंट में है तुम्हारे पास. तो फर्क क्या है अगर मैं happen to ना बोलूँ, मैं सीधा बोलूँ कि you have supernatural power. अगर मैं ये ना बोलूँ, आखिर मैं इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ रही है? Let me color it. अगर मैं happen to ना बोलूँ, सीधा बोलूँ कि you have supernatural power, यानी कि तुम्हारे पास है तो है, लेकिन happen to का मतलब है कि लकली तुम्हारे पास है, मतलब ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे पास भी सुपर नेचुरल पावर है, मतलब ये कमाल की बात, सौभाग्य से भगवान की कृपा है, ये सब कहा जाता है, बस यही. क्लियर है जी? आगे बढ़े, कुछ खास नहीं था ये. सर आगे बढ़े. चले, वेरी गुड. सर सेकंड है सिंथेसिस. अच्छा, सिंथेसिस गाइस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, बट मैं बता सकता हूँ. सिंथेसिस कई दिन का चैप्टर है. सिंथेसिस क्या नाम में क्या रखा है, होता क्या है गाइस कि मान लीजिए कि आपके पास दो सेंटेंसेस है, आपके पास टू सिंपल सेंटेंसेस. जैसे आपने बोला, एक मिनट, आपने बोला कि आई वॉज हंग्री, एक सेंटेंस बोला, फिर बोला कि आई स्टार्टेड क्राइंग. तो आपने देखा कि दो सेंटेंस है. कैसे पता चलता है कि दो है? दो वर्ब होते हैं, एक वॉज आपका वर्ब है, एक सेंटेंस हो गया ये आई वॉज हंग्री, फुल स्टॉप से पता चल रहा है ना कि खत्म हो गया. दूसरा है आई स्टार्टेड क्राइंग, ये दूसरा सेंटेंस है, यानी कि मैं भूखा था और मैं रोने लगा. अब कोई बोले कि इसको एक कर दीजिए, ये दो टुकड़े बचकाने लग रहे हैं, इनको एक कर दीजिए, तो हर बंदे का अपना स्टाइल होगा, कोई इसमें एंड लगा देगा, कोई ऐसे भी तो बोलेगा कि आई वॉज हंग्री एंड आई
started crying. तो मान लीजिए आपने एंड लगा दिया, मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने एंड से इसको जोड़ दिया, एंड से आपने जोड़ करके इसको एक सेंटेंस तो बना दिया, यहाँ पर दो फुल स्टॉप है, आपने एक फुल स्टॉप तो बना दिया, लेकिन अभी भी वर्ब यहाँ पर दो है, वर्ब दिखाई दे रहा है, वाज भी है, स्टार्टेड भी है, तो अगर आप एंड से जोड़ते हैं, इससे अगर आप जोड़ते हैं तो इसको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस, कभी आपने सुना होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कभी सुना होगा, तो मैं अभी उलझाऊंगा नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ, यस सर यस सर, मैं इतना कह रहा हूँ कि दो टुकड़े हैं उनको एक हम कर सकते हैं, तो एक करने के लिए एक ये तरीका है एंड वेंड, और एक तरीका होता है जो बहुत फेमस तरीका है, इसको कहा जाता है ऑडियो ऑफ कर दीजिए, शोर आ रहा ऑडियो ऑफ कर, इस तरीके का नाम है पार्टिसिपल, नाम तो सुना होगा, ओके जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, न्यूज़पेपर में कमाल का यूज़ होता है, तो अगर मैं इसी को बोलूं कि जैसे था कि आई वॉज हंग्री, ओके आई स्टार्टेड क्राइम, अब मैं बोलूं कि यार पार्टिसिपल का इस्तेमाल करो और इसको बदल दो, तो पार्टिसिपल कहता है कि जो दो टुकड़े हैं ना दोनों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, मतलब जो आई नाम का व्यक्ति है यही भूखा था और आई नाम का व्यक्ति ही रोने लगा, ऑडियो ऑफ कर लीजिए शोरा, तो यहाँ पर रूल आता है कि आई वॉज हंग्री को हम ऐसे बोलते हैं बींग हंग्री, और यहाँ कॉमा लगाते हैं बाकी सेम बोल देते हैं, एक मिनट, बींग हंग्री कॉमा आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा एक सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल। बींग क्यों लगा, कहीं पे नियम है कि अगर इज आ जाए आर आ जाए एम आ जाए, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, एम आई ऑडिबल टू यू, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, क्योंकि लाइट चली गई है, मैं यहाँ पर मुझे कीबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, अगर यहाँ वाज आ जाए वर आ जाए तो इन सब को हम जब बदलते हैं तो बींग लगाना पड़ता है, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूँ, मुझे कीबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, अगर मैं बोलूँ कि आई वॉज इल आई वेंट टू डॉक्टर, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ कि आई वॉज इल आई वेंट टू डॉक्टर, तो आई वॉज इल को अगर बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, वॉज क्या बन जाएगा, बींग बन जाएगा, बींग इल, तो बींग इल आई वेंट टू अ डॉक्टर, और लगाना भूल गया मैं, अ डॉक्टर, तो ये एक नियम है, मैं कहता नहीं कि अभी आप सीख ही लीजिए, ये आपको मैं सिखाऊंगा सिंथेसिस, ये 3-4 दिन की क्लास लंबी चलेगी, मैं बस एक बता रहा हूँ शॉर्टकट, तो इज आर एम वाज वर्ब को तो आप बींग लगा देंगे, और इसका और एक और प्रॉब्लम है कि एक ही बंदा दोनों काम करे, मतलब बीमार भी आई था और डॉक्टर के पास भी आई गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीमार मैं था और मेरी माँ डॉक्टर के पास गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए, जैसे कि बीमार था और तुरंत डॉक्टर के पास गया, मतलब देर नहीं लगना चाहिए, मैं इसको, ये तो स्टेट ऑफ बींग था, मैं स्टेट ऑफ बींग से हट करके मैं आपको एक्शन पे ले आता हूँ, स्टेट ऑफ बींग में आपको बींग लगाना है, तो समझ गए आप, मैं आपको एक्शन करता हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई ओपनड द डोर, ये तो एक्शन है, मैंने दरवाजा खोला, आई एंटर्ड माई रूम, यहाँ पर देखिए कॉमन सब्जेक्ट है कि नहीं है, कॉमन है सर, ओपनिंग द डोर, हाँ जी, आई 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 भी कॉमन है, हाँ आई नाम का जो व्यक्ति है, बाकी ऑडियो ऑफ कर लीजिए, इंद्रप्रीत आवाज आई, हाँ आई नाम का जो व्यक्ति है उसी ने दरवाजा खोला, आई नाम का व्यक्ति ही अंदर गया, और इसमें काम जल्दी होना चाहिए, मतलब दरवाजा खोलने और अंदर जाने में बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए, खोला और गया, तो अगर इस तरह की कोई एक्शन रहे तो इसका नियम है कि जो पहला सेंटेंस जैसे ओपनड है ना, इसको हमें आईएनजी में लगाना पड़ता है, हम ओपन का क्या कर देंगे, ओपनिंग कर देंगे, कि ओपनिंग द डोर आई एंटर्ड माई
रो, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक्शन वाला, स्टेट ऑफ बीइंग वाला नहीं, एक्शन वाला, ओपनिंग द डोर आई एंटर्ड माय रूम। तो जब आप स्टोरी टेलिंग करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि यस्टरडे आई केम बैक फ्रॉम माय ऑफिस एंड ओपनिंग द डोर आई एंटर्ड इनसाइड, आई एंटर्ड इनसाइड। आपने बोला कि कॉलर पकड़ के मैंने उसको चाटा मारा, तो आप क्या बोलेंगे, कैच में लगा देंगे आई एन जी, कैचिंग हिज कॉलर, कैचिंग हिज कॉलर, मैंने उसको थप्पड़ मारा, आई स्लैप्ड हिम, स्लैप्ड हिम। तो अब आपने ऐसा बोला क्योंकि आप ये जानते हैं, अगर आप ये नहीं जानते तो आप क्या बोलते कि आई कॉट, आप ऐसे बोलते ना, आई कॉट हिज कॉलर, फिर आप एंड वेंड लगाते, एंड आई स्लैप्ड हिम। तो इससे बचने के लिए सब बने हुए, कहने का मतलब है कि दो तीन टुकड़ों को जोड़ने के लिए बना हुआ है, ओके। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी तरफ देखते हुए उस लड़के ने कुछ कहा, मेरी तरफ देखते हुए, लुकिंग एट मी दैट बॉय सेड समथिंग, कितना प्यारा लग रहा है। अगर जिसको नहीं पता हो क्या बोलेगा, पहले ऐसे बोलेगा कि उस लड़के ने मेरी तरफ देखा, दैट बॉय, ऐसे बोलेगा ना कि दैट बॉय looked at me and he said something, he said something। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन अच्छा करने के लिए, स्टैंडर्ड करने के लिए हम इसका ऊपर वाले का इस्तेमाल करते हैं। जी टॉर्च जलाता हूँ गाइस, बिकॉज कीबोर्ड दिख नहीं रहा। चलो लाइट आ गई, लेटर ओके। इसी को सिंथेसिस कहते हैं, और मैं बताता हूँ आपको। इसमें तो चलो वक्त नहीं लग रहा है, जैसे कि एक ही टाइम में दोनों काम हो रहा है। मान लीजिए एक बंदा कह रहा है कि यार मैंने शेर को देखा, सर 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 वाइल भी तो यूज करते हैं, टू कार्ड टू कम पेमेंट करने चलते हैं। हाँ वाइल भी लगेगा, वो भी लगेगा, वो तब होता है जब अब कराऊंगा मैं, वो भी अभी करा दूँ। कई बार उसमें सब्जेक्ट भी डिफरेंट होता है। जैसे मुझे बोलना है कि मैंने एक शेर को देखा, आई सॉ अ लायन, एक फुल स्टॉप, मैं वहाँ से भाग गया, आई रैन अवे, आई रैन अवे फ्रॉम देयर। अब आप, मैंने तो दो टुकड़े में लिखा है, अगर आप इसको जोड़ भी देते तो आप ऐसे जोड़ते कि आई सॉ अ लायन एंड आई रैन अवे फ्रॉम देयर, ये भी सही है। Seeing a lion, I ran away from there. Seeing a lion, I ran away from there. तो थोड़ा और अच्छा हो गया, बस यही है। इसको कहते हैं present participle। तो ये बहुत लंबा है, मतलब सिंथेसिस जो सीखेगा उसको क्या क्या सीखना पड़ेगा, मतलब present participle उसको सीखना पड़ेगा, past participle उसको सीखना पड़ेगा, perfect participle। तो participle ही तीन हो गए, उसके बाद फिर वो इन्फिनेटिव सीखेगा, इन्फिनेटिव, ये सबसे सेंटेंस को छोटा करने का ये रूल है, वो इन्फिनेटिव सीखेगा, हो सकता है वो जिरंड सीखे, ये सब आइटम सीखना पड़ेगा छोटा करने। तो इसलिए सर आई नो ऑल ऑल नॉन इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ओके या अब तो yes. इसकी प्रैक्टिस करनी होगी इंसान। मैं ये नहीं कहता कि जिसको ये नहीं पता उसकी खराब अंग्रेजी है। सर परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट का या पास्ट का, उसमें थोड़ा हैविंग लगता है, मैं अभी करा देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं किसी दिन कराऊंगा फुर्सत से, उसकी लंबी सर हैविंग प्लस V3, सर हैविंग प्लस V3। जी जी सही कह रहे, जैसे अगर मुझे ऐसा बोलना है कि आई एट फूड, मैंने बोला आई एट फूड, दूसरा सेंटेंस है कि आई वेंट टू ऑफिस, तो खाना खाया और ऑफिस गया, थोड़ा वक्त लगा होगा, खाया होगा फिर ऑफिस जाने में वक्त लगा होगा। तो जहाँ पर वक्त लगे, सब्जेक्ट कॉमन हो, तो हम क्या करते हैं, हैविंग लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू ऑफिस, ये हो गया। तो ये सब क्यों बने, कि अच्छा करने के लिए। अगर मैं बोलूँ कि ऊपर वाले को आप अपने हिसाब से करिए, तो हो सकता है आप में से कोई ऐसे बोलेगा कि आई एट फूड, एंड लगा देगा, क्योंकि एंड सबसे आसान लगता है उसको, एंड आई वेंट टू ऑफिस, तो आप भी सही थे, और ये है, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ये भी सही। ओनली हैविंग फूड ही नहीं लगा सकते इटन, नहीं हैविंग फूड यहाँ नहीं लगा सकते, फूड भी लगा सकते हैं ना, नहीं नहीं इसमें नहीं लगा सकते। हैविंग फूड कब होता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसे होता है कि आई एम हैविंग फूड,
लेकिन ये जो नियम है ना, हैविंग के बाद आपकी मजबूरी है कि आपको V3 लगाना है। ये एक्चुअली मैं पार्टिसिपल की बात बता रहा हूँ, ये लगाना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लगाना है और उसके बाद कोई सेंटेंस बोल। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हैविंग फूड आई वेंट टू वहाँ। सर, हैविंग एक्सरसाइज आई ड्रंक वाटर। हैविंग टेकन एक्सरसाइज बेटा, मैं कह रहा हूँ हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाओ। हैविंग टेकन एक्सरसाइज, देखो अगर टाइम लग रहा है, अगर टाइम मतलब ज्यादा लग रहा है, मैं कैसे उसको लिखूं, टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल हाँ, हाँ, अगर ज्यादा है, अगर मोर है, तो आप हैविंग लगाओगे और हैविंग के बाद आपको लगाना पड़ता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने बोला बट सर इसमें सर साथ ही उन्होंने शायद आई थिंक तो बुलेट की पानी पिया, जैसे जिम करते हुए साथ ही मैंने पानी पिया, तो फिर उसमें क्या आएगा, उसमें भी हैविंग आएगा, उसमें ये नहीं लगेगा। उसके लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं, मान लो ज्यादा वक्त नहीं लगा, तो वक्त नहीं लगा उसको हम कैसे बोलेंगे, उसमें वर्ब लगाएंगे और वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा जिसमें वक्त नहीं लगा। जैसे अभी मैंने कहा ना, जैसे उसने कहा कि पानी पीकर क्या था, एक्सरसाइज करके मैंने पानी पिया, तो अगर तुरंत पानी पिया तो टेकिंग एक्सरसाइज आई ड्रैंक वाटर, इसमें तुरंत पता चला मतलब कि एक्सरसाइज किया पानी पी लिया। लेकिन अगर बोलना है कि ग्रेजुएशन करके मैंने MBA में एडमिशन लिया, आप क्या करेंगे, हैविंग डन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आई टुक एडमिशन इन MBA। तो अभी कैसे पता चलेगा टाइम लगा नहीं लगा, तो जब आप ये रोज पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वक्त लग रहा है। मान लो आपने बोला कि उसके बाल पकड़ के मैंने उसको पीटा, तो बाल पकड़ा और पीट दिया होगा, तो उसमें क्या लगाएंगे, हैविंग लगाएंगे या सीधा वर्ब से शुरू करेंगे, तो आईएनजी सर, आईएनजी। मान लो बाल पकड़ के कैचिंग, कैचिंग हिज हेयर, हिज हेयर मैं उसे पीटने लगा, या हर हेयर आई स्टार्टेड बीटिंग हिम। आपको बोलना है कि उसका हाथ पकड़ के मैंने उसको आई लव यू बोला, तो क्या बोलेंगे, होल्डिंग आईएनजी लगाएंगे ना, कि होल्डिंग हर हैंड, हाथ पकड़ के आई सेड आई लव यू, सिंपल। तो ये फर्क है। तो आप सोचो कि आपने वक्त लिया, कपड़े आप धोए और कपड़े धोने के बाद आप मंदिर गए, तो मुझे लगता है वक्त लगा ना, तो क्या बोलेंगे, हैविंग वॉश्ड क्लोथ्स आई वेंट टू टेम्पल, वक्त लगा। जिसमें वक्त लगेगा उसमें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, जिसमें वक्त नहीं लगेगा उसमें डायरेक्ट आईएनजी लगाना है। जैसे कि आपने सांप को देखा और आप भाग गए, तो वक्त नहीं लगा होगा, तो क्या बोलेंगे, सीइंग द स्नेक आई रैन अवे। ओके, मान लो आपने किसी की चीख सुनी और चीख सुनते आप घर से बाहर निकलते, होता है ना कभी देखा होगा, लड़ाई होती है आप तुरंत घर से बाहर आते हैं, तब क्या बोलेंगे, हियरिंग, सोचिए किसी की आवाज, स्क्रीमिंग साउंड सुन के कहाँ गए, वो लैपटॉप है ना बड़ा मुश्किल है टाइप कर, नॉट कम्फर्टेबल, हाँ किसी की स्क्रीमिंग आवाज सुन के, हियरिंग समवंस स्क्रीम को ऐसे भी ले सकते हैं, उसकी स्क्रीम को सुनकर, हियरिंग समवंस स्क्रीम मैं बाहर गई, आई वेंट आउटसाइड। कुछ समझ में आ भी रहा है कि बस मैं लेक्चर दे रहा हूँ? नो सर, आई गॉट इट, यस सर, यस सर, दो तरीके, वेरी नाइस सर। हाँ, अगर ऐसा बोलना है कि कंपनी छोड़कर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें तो वक्त लगा होगा ना, क्या करेंगे, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है ना, यहाँ देख रहे हो हैविंग वॉस्ट है ना, हैविंग वॉस्ट, तो हैविंग थर्ड फॉर्म होगा, हैविंग के बाद लेफ्ट करना होगा, हैविंग लेफ्ट माई जॉब, अपने जॉब को छोड़कर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड अ बिजनेस। हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि लीविंग माई जॉब, ऐसा लगेगा कि छोड़ा और बिजनेस एकदम हाथ में पकड़ा ही हुआ था, लीविंग माई जॉब आई स्टार्टेड अ बिजनेस, तो ये नहीं बोल सकते क्योंकि वक्त लगेगा, तो जो वक्त लगेगा वो हैविंग थर्ड फॉर्म है।
वक्त ना लगे, वो आई एन जी। तो ऐसा कुछ सोचिए कि वक्त ना लगा हो, जैसे तुम्हें स्कूल छोड़कर मैं ऑफिस गई। वक्त लगेगा, अगर वक्त लगेगा, इसमें वक्त लगेगा। ऐसा कुछ सोचो ना, जैसे ड्रोअर खोलकर मैंने पेन निकाला तो कितना जल्दी निकलेगा ना। ड्रोअर खोला आपने, ओपनिंग द ड्रोअर, आई टुक आउट द पेन, तो कितना अच्छा है, तुरंत हुआ। इसमें देखो, एक ड्रोअर खोल के पेन निकालने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन बच्चे को स्कूल छोड़ के और खुद ऑफिस जाने में तो वक्त लगेगा ना। तो वहाँ हम ये यूज नहीं करेंगे, वहाँ हैविंग यूज होता है। ऑफिस के लिए निकली सर, गन निकाल कर उसे मार दिया। हाँ, अगर वक्त नहीं लगा तो बोल दो कि गन को निकाला होगा, कहीं से तो निकाला होगा, टेकिंग आउट। बोलो हरप्रीत, बोलो सर। इसमें फिर ये बनेगा, हैविंग ड्रॉप द चाइल्ड इन स्कूल आई वेंट टू ऑफिस। हाँ, ये बनेगा having dropped my child at the school par, school ke gate par I went to office, my office chale gaya, I started to office. ye ho sakta hai, to ye ek din ka khel nahi, aaj to bas main ek demo jaisa padha raha hu. matlab agar aap ye participle agar main shuru karunga to pehle present participle main aapko padhaunga, likhwaunga, puchunga. it's a big game. फिर भी आपको थोड़ा बहुत अंतर अगर समझ में आया है तो आप इसके वीडियोस देख लीजिएगा। चलिए सर, नेक्स्ट है इंटेंट टू। चलिए इंटेंट टू देखते हैं, और ये वीडियो अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको सुन भी लेंगे, वॉच भी कर लेंगे, देख भी लेंगे। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है, आधा घंटा हो चुका है। इंटेंट टू, एक्चुअली ये इंटेंट का मतलब क्या है, इंटेंशन। ये तो सबको पता है, इंटेंशन क्या होता है जी, इरादा, नियत। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा इरादा तुमसे मिलने का है, तो आई इंटेंड टू मीट यू। पास्ट कर देते हैं, इरादा था तो आई इंटेंडेड, ऐसे हो जाए, आई इंटेंडेड टू मीट यू। मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था, तो पास्ट का नेगेटिव क्या होता है, डिडंट। I didn't intend to hurt you. ऐसे हो जाएगा। प्रेजेंट में सोचिए, मेरा इरादा आपकी इंसल्ट करने का नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, डोंट लग जाएगा ना। I don't intend to insult you. तो इसके साथ आपको हमेशा याद रखना है, नेगेटिव में डोंट चलेगा, थर्ड पर्सन के लिए क्या चलेगा, डजंट, और पास्ट के लिए क्या चलेगा जी, डिडंट चलेगा। और जब आप सवाल पूछेंगे तो यहाँ पर डू चलेगा, डज चलेगा और डिड चलेगा। जैसे क्या तुम्हारा इरादा मुझे जान से मारने का है, कैसे होगा, डू यू इंटेंड टू किल मी। तो बंदा बोलेगा नहीं नहीं मेरा इरादा ऐसा नहीं, नो आई डोंट इंटेंड टू किल यू। अब जिसको ये नहीं पता, वो भी उसके पास भी जुगाड़ है, वो बोलता है आई हैव इंटेंशन, वो ऐसे बोलेगा आई हैव इंटेंशन टू किल यू। बोलेगा आई हैव नो इंटेंशन टू किल यू, या थोड़ा हैव को और अच्छा कर देगा तो आई डोंट हैव इंटेंशन टू किल यू। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये हैव वाला ज़्यादा आसान लग रहा होगा, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू किल। हाँ, ये ज़्यादा आसान, यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आता है, बहुत आर इजी सर। अब जैसे मैं जितनी इंग्लिश मूवीज मैंने देखा है उसमें मैं वो इंटेंट वाले को ज़्यादा देखता हूँ, आई डिडंट इंटेंड टू हर्ट यू, ऐसे बोलते हैं आई डिडंट इंटेंड टू हर्ट यू। तो अच्छे लेवल पे वही चल रहा है। ओके गाइस, सर नेक्स्ट है सीम्स टू हैव बीन।
सर मॉडल से बता देना थोड़ा। हाँ मॉडल तो एक फुर्सत से पढ़ाऊंगा। शॉर्ट में सर मस्ट बी और मस्ट हैव और मस्ट हैव बीन कहाँ पे यूज करना है? या ये तो आज मैं वो करा रहा हूँ जो कल शायद बच्चे लोग फेल हो गए थे वो मैं करा रहा हूँ। इसमें भी मैं जो सर फेल हो गई थी माइट बी और माइट हैव बीन यूज करना था तो मैंने माइट बी यूज किया था। ओके ठीक है करा। अच्छा ये सीम्स एक तो पहले पता होना चाहिए कि सीम सीम से पैदा हुआ सीम और फास्ट क्या हो जाएगा जी सीम्ड सीम्ड कैसे होगा सीम्ड क्या क्या नहीं हो सकता है सीमिंग नहीं होगा ये रॉन्ग होगा सीमिंग मत नहीं कर सकते। अब आपके मन में रहा रही की फीलिंग क्यों ना हो आप हिंदी में सोचो कैसे भी सोचो सीमिंग नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपको ऐसा कहना है कि यार उसको देखकर लगता है कि वो चोर है। अब मैंने बोला उसको देखकर लगता है तो एक तरीका है कि आप इट से चालू करेंगे सीम उठाएंगे तो आपको पता है कि इट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीम के साथ क्या हो जाएगा सीम्स हो जाएगा इट सीम्स। जैसे आपको मैं बोलूं कि इट क्या होगा इट गोज होता है ना इट गोज इट कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको इट सीम्स लगाना पड़ेगा इट सीम्स फिर लगाना होगा दैट। जैसे आप दैट लगाएंगे दैट के बाद आपको एक पूरा सेंटेंस बोलना होगा आप जो भी कह रहे हैं पागल है अच्छा है बुरा है जैसे इट सीम्स दैट वो उदास है ही इज सैड। देख लीजिए यहाँ पर आपके दो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं इट सीम्स एक टुकड़ा और ये ही इज सैड दूसरा टुकड़ा और बीच में क्या है कनेक्टर है इसको कंजंक्शन कहते हैं ये जोड़ने का काम कर रहा है दोनों को एक ब्रिज है पुल है। अब ये बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश है लेकिन आप कह रहे हैं थोड़ा और अच्छा करें तो आपको क्या करना है इधर वाले को उठाना है जिसको देखकर आपको लग रहा है कि वो बीमार है चोर है डाकू है उसको उठाइए उसका नाम है तो नाम लीजिए अब उसको ही कह रहे तो ही लीजिए तो ही सीम्स टू बी सैड। हाँ अब जैसे आप सीम्स कहते हैं अब आपको यहाँ पे एक टू बी का इस्तेमाल करना था टू बी के बाद वो डैश 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 अच्छा है बुरा है जो भी है कमरे में है छत पर है मतलब स्टेट ऑफ बींग लगाना है तो ही सीम्स टू बी सैड। अब मान लो कि मैं पुनीत को देख रहा हूँ अब मुझे लग रहा है कि यार पुनीत अपसेट है तो मैं पुनीत को पुनीत बोल सकता हूँ क्या दिक्कत है पुनीत बोलूँगा पुनीत पुनीत इकलौता बंदा है तो सीम्स हो जाएगा कि पुनीत सीम्स टू बी अपसेट। ऐसे माधुरी को देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत एक्साइटेड है तो मैं माधुरी को माधुरी बोलूँगा कि माधुरी सीम्स टू बी एक्साइटेड। ऐसे क्योंकि नहीं पता होगा ये तरीका तो आप फिर इट का सहारा लेंगे कि इट सीम्स फिर दैट लगाएंगे फिर आप माधुरी को माधुरी बोलेंगे माधुरी इज लगाएंगे फिर लगाएंगे एक्साइटेड। ये बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश है गलत तो है ही नहीं बट ये स्टैंडर्ड है थोड़ा सा अच्छा है तो आपको ये देखना पड़ेगा। ओके अब क्या क्या हो सकता है ये जो टू बी है एक तो टू बी के बाद आपने देखा कि टू बी के बाद आप क्या क्या लगा सकते हैं स्टेट ऑफ बींग लगा सकते हैं स्टेट ऑफ बींग का मतलब है कि उदास है एक्साइटेड है कमरे में। इस टू बी के बाद आप और क्या लगा सकते हैं एक वर्ब लगाएंगे वर्ब में लगा दीजिए आई मैं बोलूँ कि माधुरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रो रही है माधुरी को माधुरी बोलो माधुरी अब होगा सीम्स अब सीम्स के बाद हमें क्या लगाना है जी टू बी अब रोने की इंग्लिश क्या होगी क्राई क्राइंग लगा तो माधुरी सीम्स टू बी क्राइंग। अब जिनको ये नहीं पसंद है वो ऐसे बोलेंगे इट सीम्स दैट माधुरी इज क्राइंग उनको इसमें ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है इज क्राइंग से ऐसा लगता है हाँ हाँ रो रही है इज मतलब है हाँ सही है सही है इसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसको जल्दी नहीं मानेंगे जब तक वो चार टीचरों का नहीं सुनेंगे लेक्चर उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या है किसी भी टीचर का सुनो कहानी यही है कि आपको इसी नीचे वाले को अच्छा करने के लिए ऊपर वाले का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब आप बोलिए कि सामने एक बंदा आप बोलो कि यार आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो अब बताओ कैसे होगा आपको देखकर लग रहा है यू
seem to be thinking something. और अगर ऐसा नहीं बोलना है तो क्या बोलोगे? It seems, ऐसा लगता है कि मतलब that, तुम कुछ सोच रहे हो. You are thinking something. दोनों तरीका आपका है, आपको जो अपनाना है अपनाइए, आपको आना चाहिए. ओके, जैसे कि आपने किसी दुल्हन को देखा, बोला यार उस दुल्हन को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी सास ने उसे उसको बहुत डांटा है. तो डांटा है यानी कि काम कंप्लीट है. तो जो कंप्लीट होता है वो हैव हैज होता है ना, इतना तो पता है सबको. तो बहुत ध्यान से देखिए, अब मैं बोलूँ कि उसको देखकर ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट, ये आपका पुराना तरीका, कि उसकी सास ने उसको डांटा है. उसकी सास, हर हर मदर इन लॉ हैज scolded her. यहाँ तक क्लियर है? अब अगर इसको कोई और अच्छा करना चाहे तो इसके लिए नियम है seems to have, इसके साथ verb की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. ओके, ये एक्टिव है. दिस इज कॉल्ड एक्टिव. एक्टिव का मतलब है कि बंदे ने खुद ऐसा किया है. लेकिन अगर बंदे के साथ कुछ हुआ है, यानी कि लड़की ने सास को नहीं डांटा, लड़की को डांटा गया सास के द्वारा, तो क्या कर लेंगे? बीन लगा देंगे. इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अभी के अभी क्लियर हो जाना चाहिए. ये क्या हो जाएगा? पैसे हो जाएगा. कैसे? देखिए, मान लो हमारे पास पुनीत है. पुनीत, अब पुनीत अगर डूअर है, अगर पुनीत ने कुछ किया है तो पुनीत क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे. तो कौन सा तरीका चलेगा? बी थ्री वाला, इसमें बीन नहीं लगेगा. मैं बोलूँ कि पुनीत को देखकर ऐसा लगता है कि पुनीत ने एक लड़की को, लड़की की इंसल्ट की है. तो इंसल्ट किसने की है? पुनीत ने की है ना. तो क्या होगा? पुनीत सीम्स टू हैव इंसल्टेड अ गर्ल. इसमें कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है कुछ? नो सर. समझ में नहीं आ रहा? नो सर. नहीं आ रहा? आ रहा है. ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं समझा. नहीं आ रहा? ठीक है, वेरी गुड. हम ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है, इट सीम्स की इंग्लिश हो जाएगी, है ना, दैट. इट सीम्स दैट पुनीत ने एक लड़की की इंसल्ट की है. पुनीत हैज इंसल्टेड अ गर्ल. ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ये टेंस तो आपको आता है नहीं ना? टेंस आता है ना? हाँ, अगर आपको टेंस नहीं आता है, अगर ये पुनीत हैज इंसल्टेड अ गर्ल भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको टेंस की जरूरत है. अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको हम इसको छोटा करना है. ये जो इट सीम्स दैट पुनीत हैज इंसल्टेड अ गर्ल, ऑडियो ऑफ कर लो, इसको छोटा करना है. छोटा करने का एक ही तरीका है, आप उस सब्जेक्ट को उठाइए. सब्जेक्ट कौन है? पुनीत ही है ना. सब्जेक्ट को उठाइए, सब्जेक्ट में लगा दीजिए सीम. इकलौता है तो क्या लग जाएगा? सीम्स. अगर पुनीत के साथ सुमित भी होता तो क्या लग जाता? सीम. उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है. एक टू लगाना है, टू के साथ हैव लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगा देनी है. उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना. अब बताइए कैसे होगा? पुनीत, पुनीत इकलौता है तो सीम. पुनीत सीम टू हैव इंसल्टेड हर. एक और मैं बोलता हूँ, इसमें हिना भी ट्रस्ट कर सकती है. समझ में कब तक नहीं आएगा? एक दिन, दो दिन, चार दिन, आना तो पड़ेगा. अरे ओके, अगर मैं बोलूँ कि ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट, ओके, माधुरी ने अपने बच्चे को पीटा है. माधुरी हैज हर चाइल्ड. ये पूरा एक टेंस है, ये सबको समझ में आ रहा है. अब मैं बोलूँ कि इसको भैया थोड़ा अच्छा कर दो, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट उठाऊंगा. सब्जेक्ट कौन है? माधुरी है ना सब्जेक्ट. माधुरी को उठाऊंगा. माधुरी के साथ क्या लगेगा? सीम. अब क्या लगेगा? टू हैव. टू हैव बीटन. माधुरी सीम टू हैव बीटन हर चाइल्ड. आराम से आपका बनकर तैयार हो गया.
तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर बीन नहीं लगाया, क्योंकि जो बच्चे को पीटने वाली तो माधुरी है ना, माधुरी डूअर है, डूअर मतलब इसी ने पीटा है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि माधुरी को देखकर ऐसा लगता है कि माधुरी पिटी है, माधुरी पिटी है मतलब किसी और ने माधुरी को पीटा है, तो मैं क्या बोलूँगा माधुरी, कि माधुरी सीम्स टू हैव बीन बीटन। अब मैं किसी के द्वारा पिटी गई हो तो बाय समवन लगा सकते हैं, बाय समवन किसी के भी द्वारा। फर्क देख लीजिए क्या है, एक्टिव और पैसिव। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको देखकर लगता है कि आपने किसी को डांटा है, तो डांटने वाला बंदा सामने वाला है ना, तो यू सी, ऐसे हम बोल सकते हैं। पहला तरीका है कि इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट आपने किसी को डांटा है, यू हैव स्कॉल्डेड समवन। इसको अच्छा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू सीम टू हैव स्कॉल्डेड समवन। अब मैं बोलूं कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको डांटा गया है, अब बताओ कैसे होगा, यू सीम टू हैव बीन स्कॉल्डेड। ये है जैसे इंद्रप्रेत बंद करो, अगर मैं बोलूं कि जैसे एक लड़की है दूर खड़ी है, लड़की कह रहा हूँ ऑडियो इंद्रप्रेत आखिर का ऑडियो खराब हो, सामने एक लड़की है और मैं बोलूं कि यार उसको देखकर ऐसा लगता है ना कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो लड़की ने किसी को निकाला कि लड़की को निकाल दिया गया है, सोचिए सोचिए, लड़की को निकाला है तो हाँ जी, तो हम कैसे बोलेंगे, तो उसको देखकर लगता है शी सीम्स टू हैव बीन, शी सीम्स टू हैव बीन टर्मिनेटेड फायर्ड चलो फायर कर देते हैं, फायर्ड फ्रॉम द जॉब। तो टर्मिनेटेड होता है ना, हाँ एक ही बात है, आजकल हायर और फायर खूब चला हुआ है। तो मैंने ये बीन में क्यों लगा रहा हूँ, ये आई होप कि थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा होगा ना कि बीन क्यों लगा है। हाँ, क्योंकि पैसिव सो वेरी मच क्लियर, वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो अब आप स्पोकन में इसका इस्तेमाल कीजिए। ओके फेयर है ना, तो ये तो हो सर। आस्ट क्वेश्चन, हाँ पूछिए सर, ऐसा लग रहा है कि उसको पीटा जा रहा है। He seems to be, अब हमारी मजबूरी के यहाँ पर ये करना पड़ेगा, being beaten, ऐसे he seems to be being beaten, actually इसका पैसिव, ये पैसिव है और ग्रामर के हिसाब से जो कंटिन्यूस होता है ना, इस ये जो जो मॉडल्स वाले हैं या जो will be वगैरह वाले हैं ना, जिसके साथ be लगा रहता है उसका नहीं बनता है, आपको पता है ना। जैसे मैं अगर ऐसा बोलूँ कि she will be cooking food, और मैं बोलूँ कि इसका पैसिव कर दो, तो इसका पैसिव अलाउड नहीं है, ग्रामर इसका पैसिव नहीं बोलता है, बट फिर भी इसको हम बना सकते हैं कि फूड विल बी बींग कुक्ड, ये ऐसा बना सकते हैं, लेकिन ग्रामर इसको अलाउड नहीं करता है। सर ऐसा लगता है कि आप कुछ बात छुपा रहे हैं, इसका कैसे होगा? हाँ ये हो सकता है, एक तो आसान तरीका है कि इट सीम्स, आसान वाला है, इट सीम्स दैट you are hiding something, और मुश्किल वाला है कि you seem to be hiding something, आराम से बन गया। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप आसान को चुनते हैं मुश्किल को चुनते हैं, नहीं समझ में आए तो आप it seems वाले को चुनिए, जो नए बच्चे ही चुनिए, लेकिन अगर मुझे बोलना होगा कभी तो मैं तो मुश्किल वाले को चुनूंगा, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि अगर उसका 14 का डोला है तो 16 का डोला बना ले, डोला मतलब बाइसेप, समझ में आ रहा है, हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है। तो यही है, ओके फाइन, आगे बताओ जी। सर वी विल कंटिन्यू द सेम टुमारो, हाँ कल मैं थोड़ा रैपिड फायर भी लूंगा, बट एक और मैं डील कर सकता हूँ, 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, एक और डील कर लूंगा, इनका करा दूँ, ये शीतल का करवा दीजिए सर। हाँ
सर बेसिक पढ़ाएंगे ना? कहना पूछ रही है ना? जी सर, पैसे पढ़ाएंगे ना सर? 100% सारा पढ़ाऊंगा, आपको पैसे भी कराऊंगा। सर एक क्वेश्चन है सर, वो खेलता था मींस कि ही यूज्ड टू प्ले राइट? करेक्ट करेक्ट मींस कि वो खेलता था। वर्ड भी लगा सकते हैं ना इसमें? भी नहीं लगाएंगे, अभी हिना का सुन लेते हैं। हां हां हिना बोलो। सर वो नहीं खेलता था। Did not लगा दो ही ना, ऐसे कर दो। He used not। दो तरीके हैं ना, मेरी बात पहले सुन, ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो भाई साहब, ऑफ कीजिए सारे लोग। अभी देखिए ये जो used to है, आपको शायद इतना पता होगा कि ये सेमी मॉडल का भी काम करता है, सेमी मॉडल इसका भी काम करता है। तो मैं ऐसे बोल दूं कि He used to play, ये तो हो गया कि चलो वो खेला करता था। नहीं खेला करता था में दो तरीके हैं, या तो मैं बोलूँगा कि ही डिड नॉट यूज टू प्ले, और एक तरीका है कि ही यूज नॉट टू प्ले, ये तरीका है। एक क्वेश्चन और सर, वो लोग पीएफ नहीं काटते थे। देखो पीएफ काटते मुझे लगता है कि डिडक्ट, क्या बोलते हैं डिडक्ट ही होता है ना, पीएफ के लिए डिडक्ट करते हैं शायद पैसा। हाँ, डिडक्ट। तो नहीं काटते थे, आप डिड नॉट ही लगाओ, या डिड नॉट यूज टू लगा दो, अगर लगा सकते हो तो दे डिड नॉट यूज टू डिडक्ट मनी फॉर पीएफ, इस तरीके। या कोई पर्टिकुलर वर्ड जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको पता होगा कि आई थिंक डिडक्ट तो डिडक्शन ही होता है, डिडक्शन ही है। ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ जी, मॉडल्स, मॉडल्स में जो कंफ्यूजन पॉइंट है कि कोई मॉडल होता है, मॉडल के तुरंत बाद हमें कभी बी दिखाई देता है, कभी मॉडल के तुरंत बाद हमें हैव दिखाई देता है, ओके, और कभी मॉडल के तुरंत बाद हमें हैव भी दिखाई देता है और बीन भी दिखाई देता है, और उसके बाद क्या लगा रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ जो हैव है इसके साथ भी लगा रहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो बी है ये बी भी कमाल करता है, कभी बी के साथ लगा होगा स्टेट ऑफ बीइंग, कभी लगा होगा वर्ब में आईएनजी, तो कभी लगा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको कंफ्यूजन पैदा करें, और ये जितने मॉडल हैं इसमें जो ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे ये गेस करने के लिए यूज़ होता है, गेस। और जब हम गेस करते हैं, तीन आइटम ज़्यादा मैं देखता हूँ, मे, एक माइट है, और ज़्यादा हो गया तो मस्ट है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल है। रही बात की कुड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कुड अलग अलग मतलब देने लगता है, गुड है ये कंडीशनल को भी देखिए। टर्न ऑफ योर ऑडियो, आई एम नॉट शोइंग माई फेस डेलिबरेटली जस्ट बिकॉज देर इज इंटरनेट इशू, सो तो अभी मैं सिर्फ मे माइट मस्ट की बात कर रहा हूँ, ओके। हम यहाँ पे वुड भी लगा सकते थे, बट वो डबल मीनिंग रखता है इसलिए मैं नहीं बता रहा। अब देखिए, अब फर्क क्या है, देखिए मैं बोलूँ कि शायद वह कमरे में होगी, और ये मान लो प्रेजेंट टाइम है, मान लो इस वक्त मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में कि शायद वो कमरे में होगी। जो लोग हिंदी मीडियम से सोचते हैं, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, वो होगा होगी में उनका दिमाग ना विल बी पे चला जाता है, सबसे पहले तो ऐसे करने लगते हैं कि शी विल बी इन द रूम, वो ऐसे करने लगते हैं। सर शी वुड बी इन द रूम, हाँ जी, तो हम अभी विल नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो फ्यूचर। ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज़, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, मैं बस कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि शायद वो कमरे में होगी, प्रेजेंट टाइम में जब भी अंदाजा आप लगाना तो आप कहीं पर लिख लेना कि प्रेजेंट टाइम का मतलब है कि मॉडल, और मॉडल के साथ 100% आपको बी लगाना है, बी मतलब प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, बी लगाना है, और बी के बाद आपको जो भी कमरे में छत पर जो भी है वो लगा दीजिए, स्टेट ऑफ बीइंग है वो लगा दीजिए। तो प्रेजेंट मतलब बी दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा।
अब बताइए अगर मैं बोलूँ कि शायद वो इस वक्त कमरे में होगी तो शी, अगर मैं माइट लगाऊँ हल्का, मैं बिल्कुल डाउट मेरा 20-30% है, तो शी माइट बी इन द रूम राइट नाउ, अभी होगी। अगर मैं थोड़ा सा 50% की तरफ जाऊँ तो मैं मे पे भी जा सकता हूँ, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि शी मे बी इन द रूम राइट नाउ, अभी होगी। ये बी से क्या पता चल रहा है, बी से पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात है, इसे पास्ट की कोई बात पता नहीं चल रही, बी का मतलब ही प्रेजेंट है। ओके, मैं अगर पक्का वो कमरे में ही होगी भाई लिखवा लो, तो शी मस्ट बी इन द रूम राइट नाउ। और एक होता है सर, फिर ये कैसे सब पता चलेगा कि प्रेजेंट में ही है, जैसे आपने कहा कि वह कमरे में होगी, तो हमें इस वर्ड से हम कैसे ये पता करेंगे कि हमें उसमें बी लगा के बनाना है कि वो प्रेजेंट में है। अगर कोई हिंदी में ऐसे लिखेगा कि वह कमरे में होगी, सिर्फ इतना लिख दे कोई, तो हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो प्रेजेंट है कि फ्यूचर है कि पास्ट है, जब तक वो इसमें कोई टाइम ना लगाए। तो मैं अगर कोई बोले कि वह अभी कमरे में होगी, इस अभी से पता चल जाएगा कि अच्छा प्रेजेंट की बात हो रही है, ये हिंदी की पहचान बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? ओके सर। हाँ, इस अभी से, अगर यहाँ पर मैं ऐसे बोल दूँ कि वो कल रात कमरे में होगी, कल रात, तो इससे क्या पता चल रहा है? पास्ट, माय पास्ट बीन सर। हाँ, ये पास्ट की बात पता चल रही, तो ये तो चलो हम हिंदी की बात बता रहे हैं, लेकिन कोई आपसे अंग्रेजी में कह रहा है, आपसे मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मैं अचानक बोलता हूँ कि योर हस्बैंड माइट बी इन बाथरूम, तो मेरे मुंह से तो हिंदी नहीं निकला, तो आपको माइट बी सुन के हिंदी बनानी होगी ना, माइट बी सुन के आप समझ जाएंगे, अच्छा माइट बी का मतलब है कि अभी की बात कर रहे हैं कि अभी वो बाथरूम में होंगे, कुछ आ रहा है समझ में? यस यस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बी से, बी को सुन के हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट की बात हो रही है। शीतल की बेटी इस वक्त उनके साथ होगी, इस वक्त उनके साथ होगी, अभी मेरा अंदाजा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि शीतल डॉटर। अब अगर मैं बिल्कुल 20% सोच रहा हूँ तो मैं क्या लगाऊंगा? माइट बी विद हर, ठीक है। मैं राइट नाउ लगाऊ ना लगाऊ, बी से पता चल गया कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और श्योर हो जाऊँ कि थोड़ा 50% हो जाए, तो मैं क्या बताऊंगा? मे बी शीतल मे बी विद हर। और मैं बिल्कुल शर्त लगाने पे तुल जाओ कि पक्का शर्त लगा ले, उनकी बेटी तो उनके साथ ही होगी, तो मैं क्या बोलूंगा? मस्ट। हाँ जी, मस्ट बी, मस्ट बी टाइप करना मुश्किल है। तो ये तो आपका प्रेजेंट है, बी आपके समझ में आ रहा है। अब इसी बी में, अभी जो आप बी देख रहे हो, शीतल आप हो? अरे देर शीतल, शीतल आर यू देयर? आप ही के लिए क्लास चल रही शीतल, अभी आप देख लो। शीतल हैज लेफ्ट, शीतल हैज लेफ्ट, ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी आप देख, यस सर, अभी जो आप देख रहे हो कि बी के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? विद हर आ रहा है, यानी कि बी के बाद कोई एक्शन वेक्शन नहीं है, बी के बाद सीधा कोई पोजीशन आ रहा है। मैं अगर बोलूं कि अभी सलमान खान अभी कमरे में होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि सलमान खान, अब मैं मे बी माइट बी वुड बी कुछ भी लगा सकता हूँ, मैं मे बी कहता हूँ, मे बी इन द रूम। तो इससे ये पता चल रहा है कि बी के बाद हमने क्या लगाया? इन द रूम। ये कोई एक्शन है क्या? ये एक्शन नहीं है, ये एक जगह है, जगह का नाम है ना रूम, एक जगह। सर वुड भी कह सकते हैं आप? हाँ भैया, वुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं। मैं अभी सिर्फ मे माइट और मस्ट को लेकर चल रहा था, ताकि कंफ्यूजन से दूर कर दो आप लोग। अब है कि पास्ट में कैसे पता चलेगा, या प्रेजेंट में अगर एक और चीज़ सर बोलिए, सर माइट हैव बीन पास्ट में लगेगा। जी करेक्ट, ओके। मैं थोड़ा सा यहाँ पर और करा दूँ, मैं बोलूँ कि सलमान अभी नाच रहा होगा, मैं क्या बोलूँगा?
सलमान सलमान मे बी डांसिंग मे बी डांसिंग डांसिंग इन द रूम हो गया। अब यही अगर मैं पास्ट करूंगा तो पास्ट की पहचान है कि मॉडल के साथ आपकी मजबूरी है कि आपको हैव लगाना पड़ेगा और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी अगर आप एक्शन दिखा रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि रिचा ने खाना खा लिया होगा, ये मेरा अंदाजा है, खा लिया होगा मतलब काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि रिचा अगर बहुत कम अंदाजा है तो माइट हैव, माइट हैव किचन फूड, इस तरीके से। तो मैंने हैव क्यों लगाया, क्योंकि खाना खाने का काम तो डन हो गया होगा ना, तो पास्ट ही हो गया ना, तो बीत गई कहानी। ओके मैं बोलूं कि कल रात रिचा ने अपने हस्बैंड से लड़ाई की होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, रिचा माइट हैव क्वारल विद हर हस्बैंड लास्ट नाइट, इस तरीके से। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं। मैं बोलूं कि कल रात सलमान खान ने शराब पी होगी, मुझे क्या पता पी नहीं पी, तो मैं अंदाजा ही तो लगा सकता हूँ कि सलमान खान पक्का पी होगी, तो मस्ट हैव लास्ट इस तरीके। अगर मैं बोलूं कि जैसे कि एक लड़का, मान लो कि जुबेर है, जुबेर नाम का लड़का है, यस सर आई एम हियर, और मान लो कि जुबेर एक लड़की से बात कर रहा था, मान लो कि जुबेर वाज जुबेर टॉकिंग सर नहीं निकल सकता, जुबेर वाज टॉकिंग टू अ गर्ल, और जुबेर को ऐसा लगा कि यार लड़की ना बुरा मान गई होगी, मतलब ये जुबेर को लग रहा है, जुबेर अंदाजा लगा रहा है कि पता नहीं यार मैंने कैसे बात की, उसको बुरा लगा होगा, तो जुबेर मन में क्या सोचेगा कि शी, हल्का सोचेगा तो माइट हैव, शी माइट हैव फेल्ट बैड, ऐसे सोचेगा। ओके लड़की को पता भी नहीं कि लड़का क्या सोच रहा है मेरे बारे में, तो हम ये सोच रहे कि ऐसा हो गया होगा बैठे बैठे, अभी हम प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा यार जैसे आप सोचो कि मेरे पिताजी ने अब खाना खा लिया होगा, आपको क्या पता खाया नहीं खाया, कैसे बोलोगे कि माय फादर, अब हल्का फुल्का पता है तो माइट हैव, माइट हैव ईटन, पक्का खा ही लिया होगा तो मस्ट हैव, मस्ट हैव ईटन फूड, ये है। तो आप प्रेजेंट में बैठकर अंदाजा लगाओ किसने क्या किया होगा, तो ये यस सर, यस यस गॉट इट, या डन। अच्छा लेकिन अगर मैं इसमें मस्ट के साथ हैव लगाऊं और बीन लगा दूं, तो बीन किन सूरतों में आएगा उसको भी समझ, पैसिव, बीन के दो कंडीशन है, एक कंडीशन है पैसिव और दूसरा कंडीशन है वर्ब में आईएनजी, दोनों कंडीशन देख लीजिए समझ में आ जाएगा। पैसिव तो ऐसा है कि मैं बोलूं कि कल रात आपको डांटा गया होगा, तो मैं बोलूंगा कि यू पक्का डांटा गया होगा, यू मस्ट हैव बीन scolded last, ये पैसिव है। लेकिन मैं बोलूं कि कल रात आप कपड़े धो रही होंगी, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है इनके घर में से ना कुछ धोने की आवाज आ रही थी, तो कल रात पक्का कपड़े धो रही होंगी, तो मैं बोलूंगा कि she must have been washing clothes last night. Are you Sheetal? मैं यहाँ से ना देख नहीं पा रहा हूँ किसी को, मैं स्क्रीन शेयर है ना, इसलिए फाइन गाइस यही था जी। तो अब बस मैं फाइल आपको भेज देता हूँ 7 o'clock बैच को, ठीक है ठीक है,